नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं ही नहीं, पूरा देश बहुत हैरान है जो मैं आपके साथ जिक्र करने जा रही हूं घटना का। सर तन से जुदा करने आए आतंकी टारगेटेड अपने शिकार के लिए निकले थे और बदकिस्मती से उनके हाथ लग जाता है गुरुद्वारे का एक पूर्व ग्रंथी जो वहाँ बतौर पूजा पाठ का काम करता रहा। उन्होंने उसकी आंखों में मिर्ची झोंकी और जब उन्हें पता चलता है कि ये हिंदू नहीं है तो वो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर वो हिंदू होता तो फिर क्या होता, तो हम किस तरीके से रिएक्ट करते। देखिए, इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री, दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की मिजाज कुर्सी में लगे हुए हैं और उन्हें अपने प्रदेश की कोई चिंता नहीं है। ये मैं उन्हीं के प्रदेश की घटना की बात कर रही हूँ। वहाँ पर अपराधियों के हौसले सातवें आसमान पर है। सांप्रदायिक हिंसा करके, हिंदुओं को डराने से लेकर के सर तन से जुदा करने की घटनाएं बेखौफ होकर के लोगों को डरा रही है, खौफ पैदा कर रही है। उदयपुर में कन्हैया लाल की नृशंस और दिल को डराने वाली जो घटना हुई है, उसके बाद से सरकारी दावा आया है कि इन क्रूरतम हत्याओं को कम से कम समय में बड़ी से बड़ी सजा दिलवा करके एक नजीर बनाई जाए। लेकिन फिलहाल तो गहलोत सरकार की एजेंसियों की जांच इतनी स्लो है, स्लो लाइक कछुआ चाल चल रही है। सरहद से घुसपैठ जारी है और जिस घटना का मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, ये घटना भी एक बहुत बड़ी घटना बन जाती अगर 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 वो शिकार जो है हिंदू होता। देखिए, हिंदू सिख, इसकी बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो सिर तन से जुदा करने वाली टीम जिससे उसका एनकाउंटर होता है, उनको जब ये पता चलता है कि ये सिख है, हिंदू नहीं है, तो वो उसको छोड़ देते हैं, लेकिन उसके वो बाल काट देते हैं। मैं पूरी बात आपको बताती हूँ। लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा तोड़ने वाला रिजवान अशरफ श्रीगंगानगर के बॉर्डर से यहाँ पे आ पहुँचा है और उसका मकसद नुपुर शर्मा का सिर तन से जुदा करने का था। इसी बीच अलवर में जो बीती रात घटना हुई है, जो कल रात लेट नाइट में घटना हुई है, उसमें गुरुद्वारे के पूर्व ग्रंथी को सिख तन से जुदा करने की नीयत से पकड़ लिया गया था। रामगढ़ का इलाका था वो, मिलकपुर गांव से अलवाड़ा जा रहे थे और गुरुद्वारे के पूर्व ग्रंथी को देर रात एक समुदाय के लोगों ने पकड़ लिया और उनका नाम गुरबख्श सिंह है और उन्होंने अपनी जो हकीकत बताई, उस समय का जो उन्होंने सीन बयां किया, उन्होंने कहा कि मतलब मैंने एक इंसानियत के नाते अपनी बाइक रोकी क्योंकि उन लोगों ने ये कहा कि यहाँ पे कोई आदमी पड़ा हुआ है, लिहाजा उन्होंने अपनी बाइक रोक ली। लेकिन जो सामने वाले लोग थे, उन्होंने उनकी आंखों में मिर्ची डाल दी और उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी और वो उन्होंने पूरी बात जो है अलवर की एसपी तेजस्विनी गौतम को बताई कि वो लोग उसका सिर तन से जुदा करने वाले थे, आपस में बात कर रहे थे और काफ़ी मतलब ये डरते डरते उन्होंने बात पुलिस अधिकारी को बताई कि उन्हें मेरी गर्दन काटनी थी। लेकिन तभी न जाने उनकी कौन सी सेंस एक्टिव हो गई, उन्होंने कहा कि आप मुझे मत मारो, मैं तो गुरुद्वारे का पुजारी हूँ। इस पर उन्होंने किसी जुम्मा नाम के व्यक्ति को
फोन पे बात की और उधर से जुम्मा नाम के व्यक्ति ने उनकी बात सुनी। उन्होंने कहा कि ये तो गुरुद्वारे के पुजारी हैं, लोकल हिंदू नहीं है, सीकरी का है। कुछ देर पे दोनों लोगों की बातचीत होती रहती है। इसके बाद एक व्यक्ति फिर दोबारा से गुरबख्श सिंह की ओर बढ़ता है और उन्हें जाके जो गुरबख्श सिंह के बाद आदमी खड़ा था उसको कहा कि इसके बाल काट दो, इसकी यही सजा बहुत है। और उसके बाद उन्होंने मारपीट भी की क्योंकि वो अपने केश नहीं कटवाना चाह रहे थे, तो उनको मारा पीटा। उसके बाद उन्होंने इसके जब केश काट दिए और बाद में उन्होंने पुलिस अधिकारी को ये बताया कि वाहेगुरु की कृपा से वो इन जालियों के हाथों से मरने से बच गए, यानी कि उनका भी सर कलम करने की उनकी मंशा थी। बाइक से वो गांव पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से रामगढ़ हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया जाता है। बड़ा गुस्सा था वहाँ के ग्रामीणों में और वो उनके इलाज में जुट जाते हैं। और इस पूरे मामले का उनके भतीजे ने केस दर्ज करवाया। ये तो एक घटना है सिर्फ तन से जुदा करने की, लेकिन ये बहुत शर्मसार करने वाली घटना है। प्रदेश में उदयपुर की सिर्फ तन से जुदा की घटना के बाद व्यापारी तबके का पुलिस से भी विश्वास उठता जा रहा है। इसके चलते प्रदेश में अपनी सुरक्षा के लिए हथियार के लाइसेंस और लाइसेंसी रिवॉल्वर लोग मांग रहे हैं। इतना डर है वहाँ लोगों में। सबसे बड़ी शर्म की बात तो यही है कि उन ग्रंथी को ये बताना पड़ा कि मैं पुजारी हूँ, मुझे मत मारिए। और फिर वो आपस में जो बात कर रहे हैं कि किसी जुम्मा को बता रहे हैं कि ये हिंदू नहीं है, तो इट मीन्स वो अपना माइंडसेट किस तरीके उन्होंने तैयार किया हुआ है, उन्हें क्या करना है, ये आपको मेरी बात से क्लियर हो रहा होगा। अलवर शहर के व्यापारियों ने बाकायदा इसके लिए सीएम और कलेक्टर को अपील की है कि प्रदेश और अलवर जिले में जिस तरीके से ये घटनाएं बढ़ रही हैं, आपराधिक घटनाओं में इजाफा हो रहा है, उनके हौसले बढ़ रहे हैं, ऐसे में पुलिस के बजाय खुद अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। दोस्तों, ये जो मैंने आपसे एक हादसा शेयर किया है, ये एक हादसा आपको लग सकता है एक छोटी सी खबर, लेकिन इसके रेप्रिकेशन बहुत बड़े होने वाले हैं। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, जिस तरीके से मतलब हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, इससे बुरी और कोई बात नहीं हो सकती। एक ऐसा समुदाय जो हिंदुओं को ये कह रहा है कि सिर्फ तन से जुदा कर देना है, इस तरीके की घटनाएं कई जगहों पे लोगों को दी जा रही है, लोगों में डर है। और ये भी कहा है कि इस मैटर को जो है बहुत जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए और ऐसी सजा भी दी जाए ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। आप क्या कहते हैं, मुझे आपकी राय भी चाहिए। आप इस घटना पे क्या सोचते हैं, मतलब किस तरीके से एक डर का माहौल बनता जा रहा है, डर में लोग जी रहे हैं, पता नहीं कब कौन किसका सिर धड़ से अलग कर दे। दो केसेस तो हो ही चुके हैं, एक महाराष्ट्र का और एक उदयपुर का, और न जाने कितने ऐसे केसेस देखने को मिलेंगे। या कहिए कि ऐसी खबरें आपसे शेयर करनी होंगी। बहुत ही अफसोसजनक चीज़ें हो रही हैं आसपास में। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।